हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में जीरे के फ़ायदों के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आमतौर पर तड़के के लिए इस्तेमाल होने वाला जीरा भारतीय व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाला सुगंधित मसाला है। पेट से जुड़ी कई तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए ये कारगर औषधि है। जीरे की तासीर गर्म होती है। हम में से ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि जीरा एक घरेलू औषधि है जिसे कई छोटी छोटी बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी हुई है तो जीरे को अच्छी तरह से भून लें। इसे पोटली बनाकर समय समय पर सूंघते रहें। ऐसा करने से छींक आना बंद हो जाएंगी। अगर आपको कब्ज या पच की शिकायत है तो एक गिलास छाछ में काला नमक और भुना जीरा मिलाकर पी लें। ऐसा करने से कुछ देर बाद ही आराम मिल जाएगा। आंवले के साथ जीरा, अजवाइन और काला नमक मिलाकर खाने से भूख बढ़ती है। इससे दस्त में भी राहत मिलती है। पानी में जीरा उबाल लें, इसे छान लें। इस पानी से चेहरा साफ करने से चेहरे पर चमक आती है। जीरा और सेंधा नमक को महीन पीस लें। इस पाउडर से मसाज करने से दांतों के दर्द में तो फायदा होता ही है, साथ ही मुंह की बदबू भी दूर हो जाती है। मेथी, अजवाइन, जीरा और सौंफ को बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण को एक चम्मच हर रोज खाने से शुगर, जोड़ों के दर्द और पेट के विकारों में आराम होगा। गैस की समस्या में भी इससे फायदा होगा। डिलीवरी के बाद जीरे का पानी पीना अच्छा रहता है। चर्म रोग में भी जीरे के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे खुजली दूर हो जाती है। दही में भुना हुआ जीरा और काला नमक मिलाकर खाने से डायरिया में फायदा होता है। जीरा आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है, जिसे नियमित रूप से खाने से खून की कमी दूर होती है। एसिडिटी से तुरंत राहत पाने के लिए एक चुटकी कच्चा जीरा खाने से फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।